स्टडी विद राघवेंद्र सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं राघवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले की जो सीरीज चल रही है उसमें शिवपुरी के प्रमुख मेले। सबसे पहले चर्चा करते हैं शिवपुरी जिले की। इसकी बेटा शिवपुरी जिला जो कि याद रखना इतना मेले की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बस मेले के नाम याद रख के चलना है, तो सबसे पहले शिवपुरी का बाणगंगा का मेला। बस आपको याद रख के चलना है कि शिवपुरी में बाणगंगा का मेला लगता है। अब यहाँ पर एक डाउट बनता है कि सर बाणगंगा का मेला, तो बाणगंगा का मेला शिवपुरी में तो लगता ही है, साथ ही साथ में याद रखना साथ ही साथ में याद रखना और कहाँ कहाँ लगता है, तो याद रखना दोस्त शहडोल में लगता है बाणगंगा का मेला। कहाँ लगता है? शहडोल में। और एक कहाँ लगता है बेटा? इंदौर में। यानी कि कह सकते हैं कि बाणगंगा का मेला बेटा मध्य प्रदेश में तीन जगह लगता है। एक जगह लगता है शिवपुरी में, एक जगह लगता है शहडोल में और एक जगह लगता इंदौर में। ये था बेटा बाणगंगा का मेला। इसके बाद चर्चा करते हैं पीर बुधान का मेला या पीर बुधान का उर्स। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना शिवपुरी जिले का सबसे बड़ा मेला या सबसे बड़ा उर्स है कौन सा बेटा? आपका पीर बुधान का उर्स। ये कहाँ लगता है? तो शिवपुरी जिले के सावेरा क्षेत्र में। अच्छे से याद रख के चलना बेटा, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि सावेरा क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो सावेरा क्षेत्र काय के लिए प्रसिद्ध है बेटा? याद रखना पीर बुधान के मेले के लिए। कब लगता है मेला? तो याद रखना ये मेला लगता है अगस्त और सितंबर में, इन दो महीनों में कभी भी लग सकता है। और इसकी विशेषता क्या है कि एक मुस्लिम संत कौन थे बेटा? एक मुस्लिम संत थे जिनका नाम था पीर बुधान, इनकी मजार पर इस मेले का आयोजन होता है। किस मेले का? पीर बुधान के मेले का। तो ये मेला शिवपुरी की दृष्टि से, शिवपुरी जिले की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण बनता है, तो इसको अच्छे से याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट मेला है सिद्धेश्वर का मेला। कौन सा? सिद्धेश्वर का मेला। बस इसको इतना ही याद रख के चलना है कि सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में लगता है बेटा। तो ये थे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के प्रमुख तीन मेले, जिनमें बाणगंगा का मेला, दूसरा था बेटा पीर बुधान का उर्स या मेला, तीसरा था आपका सिद्धेश्वर का मेला। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।